Hello everyone, this is Sumit Kumar. In this video, I'm going to talk about UPSC Maths Optional, जो कि अब इसी साल आपके अक्टूबर में होगा और जो आप नेक्स्ट ईयर भी टारगेट कर रहे हो तो उनके लिए. इसमें मैं थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका है और वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. देखो, मैंने UPSC Maths Optional के लिए बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, ठीक है ना. तो अब तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ रहा नहीं कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे आंसर देना. मैं ऑलरेडी उस पर बहुत सारा कुछ दे चुका हूँ. अगर आपके उस टाइप के बेसिक्स अच्छे नहीं हैं तो उसके लिए मैं रेगुलर बैच स्टार्ट कर रहा हूँ. आप उसको ज्वाइन कर सकते हो 2nd of June एंड 2nd of July से, ठीक है. अब आते हैं मेन टॉपिक पे. ये मेन टॉपिक इस वीडियो का है कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए. तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बता देता हूँ कि UPSC पूछता कैसे है. और उसके पहले थोड़ा सा मैं एक सिलेबस पे ओवरव्यू आपको दे देता हूँ. बहुत ज़्यादा तो मैं दे नहीं सकता, नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा. देखो, पहला तो दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. दोनों ही 250-250 मार्क्स के होते हैं. हर पेपर में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. पेपर 1 का जो सेक्शन ए है उसमें लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री है. सेक्शन बी में ODE डायनेमिक्स, स्टैटिस्टिक्स है ना, हाइड्रो स्टैटिस्टिक्स एंड वेक्टर एनालिसिस है. अब क्या करता है, और पेपर 2 में जाएंगे सेक्शन ए में ऐसे ही अलजेब्रा, रियल कॉम्प्लेक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग और है. और सेक्शन बी में अगर हम आएंगे तो PDE है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, न्यूमेरिकल आपके इंटीग्रेशन है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ODE है, फ्लूइड डायनेमिक्स है, मैकेनिक्स है, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है. तो पहले तो मैं आता हूँ कि इसमें पूछ कैसे रहे वो क्वेश्चन. देखो, जैसे सेक्शन ए में आप आते हो, पेपर 1 का सेक्शन ए आप उठाते हो, दोनों सेक्शन से पहली बात की टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करना है. उस 5 में से एक क्वेश्चन हर सेक्शन के कंपलसरी होते हैं, और फिर हर सेक्शन से एक क्वेश्चन और आपको करना कंपलसरी है. मतलब एक क्वेश्चन तो कंपलसरी, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5, ये दो क्वेश्चन कंपलसरी आपको करना ही करना है. फिर उसके बाद हर सेक्शन से कम एक क्वेश्चन आपको करने हैं, और टोटल 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं. तो मीन्स से आप अगर सेक्शन ए से अगर 3 क्वेश्चन करते हो तो सेक्शन बी से आपको 2 करने पड़ेंगे, या वाइस वर्सा. अब आते हैं जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं. जो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे आपका लीनियर बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या करेंगे, लीनियर को जो सेक्शन जो कंपलसरी क्वेश्चन पेपर है उसमें एनालिटिक ज्योमेट्री में भी आपको डाल देंगे, कैलकुलस भी डाल देंगे और लीनियर भी डाल देंगे. लीनियर आपसे बन गया, बाकी दो सेक्शन आपसे अगर नहीं बन पा रहे हैं तो मार्क्स नहीं आएंगे. सेम रीजन गो टू सेक्शन बी. जैसे आपने ODE अच्छा कर लिया, डायनेमिक स्टैटिस्टिक्स है ना, हाइड्रो स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर एनालिसिस, वो लोग छोड़ देते हैं, और वो छोड़ने के चलते आपका मार्क्स कम हो जाता है, आपका मार्क्स आ नहीं पाता है अच्छा. क्यों, आप तो पढ़ के गए थे बहुत मेहनत. तो यहाँ पे मेहनत से मतलब स्टडी तो चाहिए, बट स्मार्ट स्टडी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से कम समय में अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, ताकि जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो हमसे बन जाए और बहुत अच्छे से बने, ठीक है. ये आ गया आपके इसमें. फिर आप जो नेक्स्ट, फिर जो आपको 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपने आंसर दे दिए, फिर आपको 3 करना है, उसमें से कंडीशन क्या है, एक क्वेश्चन कम से कम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आइदर सेक्शन ए और सेक्शन बी से, ठीक है ना, कंपलसरी है, एक दोनों से करना होगा. फिर एक क्वेश्चन के लिए आपकी चॉइस है, चाहे सेक्शन ए से दो चाहे सेक्शन बी से दो. अब देखो, ऐसा आप करते हो ना, लेकिन आपको पढ़ना तो इसका मतलब सारे चीज़ों को करना पड़ेगा, नहीं तो जो कंपलसरी सेक्शन है वो तो आपके छूट गए. और जब आप कोई भी क्वेश्चन को उठाते हो सेक्शन ए से, कोई भी एक रैंडम नंबर क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हो, उस क्वेश्चन में आप जाओगे तो लीनियर का भी क्वेश्चन है, फिर एनालिटिक ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन है और कैलकुलस के भी क्वेश्चन. तो वेटेज हर क्वेश्चन में वो लोग डाल देंगे आपके, और अब तो मतलब मिक्स करते जा रहे हैं. 50 मार्क्स का अगर एक वो जो क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 50 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें से वो कभी कभी 10-10 करके डाल देंगे, 5-15 ऐसे करके डाल देंगे. मतलब आप कोई चीज़ को स्किप नहीं कर सकते. अगर आपने ये चीज़ के लो ये टॉपिक मैं स्किप कर देता हूँ, फिर क्या होगा, आप थोड़ा प्रॉब्लम आ जाओगे. मतलब कभी कभी एक क्वेश्चन से पता चला 15 ही मार्क्स का आंसर दे पा रहे हो, एक क्वेश्चन से आप 20 मार्क्स का आंसर दे पा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा उसको ना एनालिटिकल वे में, एक प्रॉपर गाइडेंस वे में उसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे ऑन मतलब जो UPSC का एग्ज़ाम है, जहाँ तक मैं एनालाइज़ कर पाया हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को बहुत ही छोटा समझता हूँ उस चीज़ के लिए, बट जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक माइंड गेम है एक मैथ्स में. यहाँ तो नॉलेज का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको मैनेज कैसे कर पा रहे हो, कैसे आप वो सारे चीज़ों को, इतने वास्ट चीज़ें हैं, उसको आप कैसे हैंडल कर पा रहे हो कम समय में.
क्योंकि केवल ये मैथ्स ऑप्शनल ही नहीं है, आपके पास जीएस भी है और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी है। तो ये तो मतलब आप भूल जाओ कि केवल मैथ्स के ही बेसिस पे जज हो रहा है। बट चूंकि मैथ्स एक स्कोरिंग पेपर है तो लोगों का नज़र होता है कि जीएस तो चलो ठीक है, जीएस अभी के लिए सेम है, बट अगर मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है और सोचना भी चाहिए अच्छा, क्योंकि मैथमेटिक्स है और इसमें 375 या 400 स्कोर करना उतना भी टफ नहीं है। आप अगर एक स्ट्रैटेजी वाइज आप पढ़ाई करते हो बहुत अच्छे से, आप इसमें मोर देन 350 स्कोर कर सकते हो 4 से 5 महीने के प्रिपरेशन में। और वो कैसे होगा मैं इसको बताऊंगा, उसके लिए तो मैं कोर्स इस बार स्टार्ट भी कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से 2 जून से। मैं आता हूँ अब पेपर टू में भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत लोगों के जैसे कि रियल कॉम्प्लेक्स या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बहुत ही वीक होते हैं। अब उसमें भी क्या होता है कि ये अब ये क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया तो आपको अगर एलजेब्रा के क्वेश्चन बन रहे हैं और आप ये नहीं बना पा रहे तो गए आप, मार्क्स आपका छूटा। आप सेक्शन बी में जाओगे तो सब आपके लिए नए मिलेंगे, जैसे पीडी हो गए, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हो गए, फिर आपके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हो गए है ना, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडी हो गए, मैकेनिक्स हो गए, आपके फ्लूइड डायनेमिक्स हो गए। तो कुछ कुछ सेक्शन तो ऐसे हैं जहाँ पे इंजीनियर्स बाजी मार लेते हैं, जो आपके बीटेक बैकग्राउंड्स हैं फॉर एग्जांपल वो फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़े हैं, सिविल से हैं या फिर कहीं से भी हैं, मैकेनिक्स पढ़े हैं तो वो बना लेते हैं, बट वो फिर उनका हाथ एलजेब्रा रियल कॉम्प्लेक्स पे कम हो जाता है। तो और जो मैथ्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनका अगर थोड़ा बहुत प्योर ठीक ठाक है इधर मार खा जाते हैं। और क्वेश्चन देखो अब वो भी है, आपको हर पेपर 250 का है और सबका वेटेज मैटर कर रहा है कि हर से कम 2 क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना है, वो तो कंपलसरी है। तो कम से कम 100 मार्क्स हर सेक्शन से आपको करने हैं, 100 मार्क्स, और वो 100 मार्क्स छूटा तब सोचो कितना बड़ा रिस्क होगा। अगर 100 इस सेक्शन से और 100 उस सेक्शन से आपका छूट गया तो 200 मार्क्स आप छोड़ रहे हो, और अगर वो जो कंपलसरी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते तब तो और नेगेटिव इंप्रेशन भी बन सकता है आपका। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा ना एक एनालिटिकल वे में ढंग के तरीके से एक अच्छे से स्ट्रैटेजी वाइज इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जो चीज़ें आपको आती हैं पहला तो वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए और टू दी पॉइंट आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्पेस आपको मिलेगा और उसी के अंदर लिखना है। तो अगर आप थोड़ा सा भी आपका कॉन्सेप्ट हिला डुला है, आप पूरा स्पेस खा गए, फिर तो बचा ही नहीं, फिर तो वहाँ तो कोई उपाय ही नहीं है कि आप इरेज कर सकते हो या ये कर सकते हो, कोई दिक्कत वहाँ पे मतलब कोई चांस ही नहीं है, देयर इज़ नो सेकंड थॉट, गया तो गया, अब क्या करना है आपको। तो इसीलिए थोड़ा सा जो आप पढ़े हो उसको थोड़ा अच्छे तरीके से रिवाइज करना, उसका प्रॉपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और उस टाइप की प्रॉपर प्रैक्टिस, उस टाइप के कैसे इस एक लेंदी चीज़ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, कुछ कुछ लेंदी सेक्शंस को अच्छे तरीके से देना, और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, सिलेबस तो बहुत वास्ट है बट उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो नहीं पढ़नी है वो सारे भी पता करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ये चैलेंज को मैं जहाँ तक होगा आपके लिए आसान तरीके से प्रस्तुत कर दूंगा, मैं प्रयास करूँगा इस चीज़ में, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ और ऐसे भी बच्चे आ रहे हैं जो 2-3 साल से इसकी कोचिंग ऑलरेडी ले चुके हैं दूसरे जगह से, बट स्टिल उन लोगों को उस टाइप का एक हैप्पीनेस नहीं मिल पा रहा था, बट नाउ दे केम टू मी एंड दे टोल्ड द ट्रूथ, देन आई कम टू नो कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ बातचीत है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अगर आप उस चीज़ को मैथ को लेकर सीरियस हो, अगर आप उस टाइप के प्रिपरेशन करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, आप इसको लेके क्वेश्चन पेपर को लिख के डगमग मत हो, है ना। विदाउट प्रिपरेशन आप क्वेश्चन पेपर देखो कि ठीक है ये पूछ रहा है, मुझे इस टाइप का मेहनत चाहिए, बट नहीं बन रहे क्वेश्चन तो आप ये हार मत जाओ कि मेरे से नहीं बन पा रहा, आपसे नहीं बन पा रहा है क्योंकि आपने उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, कम समय में कैसे अच्छे तरीके से लिखना है सब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव तो है भी नहीं कि आप तुक्का मार दोगे, तो यहाँ तो सब्जेक्टिव है, आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है और सही तरीके का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ उस तरीके की चीज़ों को गाइडेंस दिया जाएगा और उसके लिए मैं तैयार हूँ। 2 जून से इसके लिए बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको अगर आप 2-3 साल से भी इस एग्ज़ाम के पीछे लगे हुए हो, आप आ सकते हो, सीख सकते हो। 4 महीने चलेंगे कोर्स, 4 महीने में 100% जितना भी हो पाएगा हम लोग बेस्ट करेंगे, ताकि जो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं उसको आप बहुत अच्छे से करो और बाकी 2-2 क्वेश्चंस आप ट्राई कर लो, ठीक है। ट्राई किया जाएगा कि 500 में ऐसा तैयारी हो कि आपका 400 प्लस तक हम लोग पहुँच पाए, है ना। तो ये टारगेट होना चाहिए और उस टारगेट को लेके मैं चल रहा हूँ, और उसमें बस मुझे आपका मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, ठीक है। और जो डायरेक्शन होगा मैं डेफिनेटली आपको दूंगा, ओके। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द
2 जून और 2 जुलाई से, आप जब भी आना चाहें आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है, और ये लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और अगर आपको इस टाइप के वीडियोस और चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लें, और ये चीज़ें अगर आपको हेल्प कर रही हैं और या जो आपके कोई और भी दोस्त हैं जो इस टाइप की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी आप पहुंचा दें ताकि उनको भी चीज़ें समझ में आ जाएं कि क्या किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे। थैंक यू सो मच।